365 पूजा करनी है मुझे, तो मैं एक दिन में 20 चौके बना रही हूँ डेली। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का ब्लॉग, सुबह से शुरू हो रहा है। ये मैंने उसको तंग कर दिया अरवि को सुबह सुबह उठ के। सॉरी, आज गला थोड़ा खराब है इसलिए वॉइस थोड़ी चेंज होगी। तो ये सुबह का व्यू है, अभी बादल जैसे लग रहे हैं, फिर धूप आ रही है, कोई पता नहीं चल रहा मौसम का। तो अभी बस अभी उठे थे हम लोग, उठ के मैंने सबसे पहले भी ड्रेस किया और चाय पी। चाय तो सब उठ के चाय चाहिए अच्छे से। और मैंने अभी फिर बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो ही जाएगी अभी। तो फिर अभी हमने जल्दी से फिर आग भी जला दी सुबह के, और उतरी यहीं पे अभी उठ के तैयार नहीं हुआ था, अभी उठा ही था। ये सब सामान इसने सुबह सुबह डाल दिया, तो अभी हमने आग जला दी है। और रुद्र को चूल्हे में आग जलाई और सब्जी मैंने चूल्हे में बना दी थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम बना रहे हैं उसको क्यों की सब्जी। तो हिमाचल वालों को तो पता होगा क्यों की सब्जी, और बाकियों तो मुझे दूसरा नाम इसका पता नहीं, सिर्फ क्यों पता है। तो आज क्यों बना रहे हैं रुद्र के लंच के लिए। तो बस अभी बना के इसको रख दूँगी ढक के, ये बन जाएंगे। तब तक मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी ताकि पोछा लग जाए तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर बचता बचता काम बच ही जाता। उसके बाद मेरे को बहुत काम थे अभी, अब पूजा भी करनी है, तो इसलिए सुबह सुबह काम हो जाए तो अच्छा रहता है। मेरे को सुबह सुबह ही क्वार्टर वाली आदत ही पड़ी है कि सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद जब पूरा दिन बैठी रहूं, पर सुबह सुबह काम होना चाहिए। तो वही आदत मुझे अभी पड़ी हुई है, तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी मायके में भी वही आदत चल रही है, मेरे सुबह के झाड़ू पोछा करना ही करना है, बाकी काम सब बाद में। तो ये मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा लिया, अंदर लगा दिया था रूम में, और ब्रांडे में लगा दी थी बाहर अभी। तो बस अभी मैं नहा हो के आ गई थी तैयार होने के लिए। तो डेली नहाना पड़ता है व्रत पूजा के लिए, और नहाने के लिए घाघरे डालनी पड़ती है या पेटीकोट। तो अभी मेरे पास खरीदे नहीं, तो मैंने पेटीकोट डाला और अभी नीचे चली गई, रोड पे पहुंच गई हूँ अभी पूजा करते करते। तो ये ट्रायंगल डालना है, ट्रायंगल डालने के बाद अभी मुझे गोबर की बनानी है भावड़ी, ताकि जब पूजा करो पानी ना निकले, तो इसलिए अच्छे से बनानी पड़ती है ये। तो 20-20 बनानी पड़ती है ये डेली, जो ट्रायंगल का मतलब त्रिकोणा साइड है ना ऊपर, तो वहाँ पे रखना है ये भाई जब मतलब बना के पूजा करने के लिए। तो ये जो बत पूजा है इसकी हिस्ट्री ऐसी है, हिमाचल में ऐसी मान्यता है। तो मैंने यहाँ से रास्ता ये पूछना शुरू किया था, यहाँ से। तो अभी आ गई मैं रोड पे रास्ता पहुँचते पहुँचते। वैसे गोबर की ये बनानी पड़ती है बाहें, ऐसे करके मैंने 20 बनाई है अभी, और अभी पूजा करेंगे। तो यहाँ से अभी तक मेरी टोटल हो गई, आज इनको मिला के 108 हो गई हैं। तो पहले मैंने 8 की, फिर 10 फिर अभी 20 कर रही हूँ। और इसके लिए चाहिए होगा 12 12 12, ये जो होती है द्रव, इसके 12 12 12 12 पंगे डालें, जैसे 12 12, तो ये 20 है, ये भी 20 है। और ये फूल चाहिए पूजा के लिए, वही बस। और ये गोबर की जो बनाते हैं ना बाएं, ये मैंने 20 कर दिए हैं, बना दिए पहले एडवांस में। और जो गोवा बचा था उसका मैंने गोबर लगा दिए, गोबर के उपले बना रही हूँ बचे हुए गोबर का। तो बस अभी पूजा करूँगी मैं, कि शादी के बाद मायके वाले भट पूजा का जो रिवाज है वो पूरा करते हैं। तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना हिमाचल में, जैसे जब तक ये बच्चों पूजा है मतलब रास्ते की पूजा नहीं करते हैं, तब तक कोई भी दाना का नहीं लगेगा। और जैसे मरने के बाद रास्ते में जब जाते हैं ना, तो कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको पीने के लिए, कोई छाया नहीं मिलेगी, तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। भाभी बनाई है ना, इसमें पानी भरते हैं ताकि जब मरने के बाद कभी पानी पीना हो तो ये हमने अभी पूजा किया तो वहाँ पर हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो ध्रुव लगाई है मैंने तो उसकी छाया मिलेगी, ऐसी मान्यता है हिमाचल में। तो रास्ता पूजा करने के लिए सबसे पहले आपने ट्रायंगल में पीस शेप बना लेने, उसके बाद पीस ही बावड़ी बनानी है गाय के गोबर की, और उनको जो पानी भरना है, जो बावड़ी बनाई है हमने सबसे पहले उनमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद जो ध्रुव है
तरफ क्या एक एक मतलब टहनी उसमें लगानी हमने, तो ये मैंने टहनी लगा दी उसमें गोबर में। पर जब हम पूजा करें तो बावड़ी में से पानी नहीं निकलना चाहिए, वो भरी रहनी चाहिए जब तक हम पूजा कर रहे हैं तब तक, तो अच्छे से बनानी पड़ती है बावड़ियाँ। साथ में मैंने फूल रखा, टीका लगाऊंगी, अक्षर डालूंगी, और यहाँ रास्ते में रास्ता पूजन के लिए जैसे थोड़ा मतलब शेप बनानी है रास्ते की, ऐसे सीधी लाइन और ऐसे वही शेप हाथ में बनानी है, सीधी लाइन लगानी और ऐसे रास्ता बनाना मतलब। फिर 12 ही पानी के छिट्टे देने हमें रास्ते के लिए, और 12 ही सिंदूर के छिट्टे देने हैं। उसके बाद जो मैंने 12 ये ध्रुव की टहनियाँ बना के बांध के रखी हैं वो फुल रखनी है इसमें, और 12 ही चावल के दाने लगेंगे इसमें, 12 ही चावल के दाने डालूंगी। काउंट करने हैं कि कम ना होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, तो और शेप अच्छे से बनी होनी चाहिए बावड़ी की। इस बावड़ी की मेरा थोड़ा पानी निकल रहा था तो मैंने फिर अच्छे से किया, और ये पूरी मैंने बना के रखी है पहले ही, 12 चावल डाल के रखे इसमें, रोज सुबह खून 12 चावल उठ के छंटेंगे इसलिए 12, पर फिर भी मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ कि कम ना हो, किसी किसी में पूरी जो बनाई है उसमें निकल जाते हैं इसलिए। तो बस इसको फिर से कंटिन्यू ऐसे करके हमें आगे वाले जो पीस हैं वो सब पूजनी है। तभी मैं सब पूज पाज के लास्ट में पहुँच गई हूँ। आज धूप बहुत तेज़ थी तो जल्दी जल्दी कितना भी जल्दी कर लो पर टाइम उतना लगता है, 20 बावड़ी पूजनी है, 20 बारी वैसा करना है तो टाइम लगता है थोड़ा। तो बस अब ये करने के बाद मैं अभी लास्ट में पहुंची गई थी इनको सब पूजा करना है, और इसका मंत्र भी है, जैसे अगर आपको नहीं आता तो ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। आप ये मंत्र बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र अगर नहीं है तो जो हिमाचल का ना जैसे बत्ते बतान दे पूछ दी जा, रानी दी बेटी बत्ता पूछ दी जा, ऐसे कहावत है मतलब, सॉरी मंत्र है हिमाचल में जो हिमाचली भाषा में बोला मैं आपको। तो बस अभी मेरी के बाद 20 पूछ रही हूँ, 20 पूछने के बाद मेरे को 365 पूरे करने हैं। 365 पूरे होने के बाद ही इसका मतलब नजातन करेंगे, वो अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। तो अभी मैंने 20 पूछ दिए हैं ये सारे, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है ये, लास्ट में जब बन के तैयार हो जाते हैं पूजा कर देती पूरे, बहुत सुंदर दिखता है ये बनने में। तो ऐसी कहावत है हिमाचल में ऐसे बद पूजा की करना पड़ता है, 365 देने साल में, तो 365 चौके बनाने, लास्ट में सिर्फ 12 चौके छोड़ने हैं, 12 दिन छोड़ने मतलब 365 में से। और ये मैंने फिर अंदर भी पूजा कर ली थी, ये शिवलिंग है हमारा घर पे रखा हुआ है, और ये यहीं पे और मैंने भांग चढ़ाई थी शिवजी को, और ये बस मैंने अंदर पूजा की, और फिर मैं कपड़े चेंज करके बाहर आ गई फिर से दिखाने के लिए कि हाँ मैंने रास्ता पूजा कर दिया, ऐसा हो गया यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का मेरा आपको ब्लॉग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बद पूजा की जो कहानी है आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और ये बद जो मैंने पूजी हुई है रास्ता मतलब कैसा लग रहा है आपको बताइएगा जरूर। तब तक के लिए बाय।